व्हाट्सएप्स कैसे हो, आई होप यू गाइस एक्सट्रीमली वेल। मैं कांस्टेबल सुमित, आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो पे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये जगह थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है मुझे, तो चलिए लोकेशन चेंज करते हैं। तब तक आप मेरा इंट्रो देख लीजिए। तो चले जाते हैं एक अच्छे लोकेशन पे और आज का ये वीडियो बनाते हैं हम लोग। ये है मेरे गांव का गली का रास्ता। बारिश में पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है हमारे गांव का। क्योंकि हमारा जो गांव में अभी सड़क अच्छे से नहीं बना है, कच्चा सड़क है अभी भी हमारे गांव का। तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने में, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई दिल्ली पुलिस का स्टाफ आप लोगों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। तो मुझे जितना भी पता है, इतना भी अच्छे से मुझे भी नहीं पता है, पर मुझे जितना भी पता है आप लोगों से बता पा रहा हूँ। और आप ज़रूर मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि और कमेंट में बताना कि क्या क्या मैं नेक्स्ट में आपको बताऊँ। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कमांडो में आप कैसे भर्ती हो सकते हो, और अगर आप जिन दोस्त लोग को दिल्ली पुलिस में भर्ती होकर कमांडो में आना चाहिए वो कैसे कमांडो में आ सकते हैं, इसी विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि कमांडो, दिल्ली पुलिस कमांडो, आप लोग कैसे दिल्ली पुलिस कमांडो में आ सकते हो। तो कमांडो के लिए एक अलग से मतलब एक एप्लीकेशन निकलता है। आप लोग जब दिल्ली पुलिस के 9 महीने के ट्रेनिंग कर चुके होते हो, हालांकि जैसे कि 9 महीने का नहीं मतलब 10 महीने का ट्रेनिंग होता है। 9 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता है और 1 महीने का कमांडो ट्रेनिंग होता है। वो तो कंपलसरी है, हर किसी को करने के लिए कंपलसरी होता है ये कमांडो ट्रेनिंग। पर इसी कमांडो ट्रेनिंग के बाद एक और मतलब ये कमांडो ट्रेनिंग हर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक होता है। तो उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग करवाया दिया जाता है कई सारे डिपार्टमेंट पर या फिर कई सारे थानों पर आप लोगों का पोस्टिंग हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक और एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है कि कौन कौन दिल्ली पुलिस कमांडो का कोर्स करना चाहता है। कमांडो कोर्स करना चाहते हो तो आप अपना मतलब विलिंगली आप अपना एप्लीकेशन फिलअप करके जमा कर सकते हो। तो कमांडो ट्रेनिंग में क्या होता है, कमांडो ट्रेनिंग में होता है कि 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। आप लोग के 3 महीने का ट्रेनिंग में सुबह का भी पीटी होता है, दोपहर का भी आउटडोर का वेपन का क्लास होता है, शाम को भी पीटी होता है। मतलब कमांडो ट्रेनिंग का 3 महीना जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, बेसिक ट्रेनिंग से बहुत ही हार्ड कराया जाता है कमांडो का 3 महीने का ट्रेनिंग। तो जब कमांडो ट्रेनिंग आपका पूरा हो जाएगा तो अब आपको तीन साल या 5 साल के लिए, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, 3 साल या 5 साल के लिए आपको कमांडो का पोस्टिंग दिया जाता है। और कमांडो का यही फ़ायदा है कि आप अपना मनचाहा पोस्टिंग ले सकते हो कि आपको कहाँ पोस्टिंग होना है। और कमांडो का फ़ायदा वगैरह वैसे एक आपको सैलरी में 1,000 रुपया के करीब एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको कमांडो का जो एरियर होता है वो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये के करीब, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा नहीं मिलता, 1,000 रुपये जैसा आपको मिल जाएगा। एक और वैकेंसी होता है जो कि ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो कहते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है, जो जैसे कि हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को एक इंस्ट्रक्टर, जैसे कि हमारा जो प्लाटून है वो 25 का डिवाइडेड है, 25-25 लोगों का एक एक प्लाटून होता है। तो 25-25 लोगों का एक इंस्ट्रक्टर, आप इन 25 लोगों को आप पूरा ट्रेनिंग आप करवाओगे, तो ऐसा इन लोगों को ड्रिल इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स होता है एक, जो कि 5 साल के बाद आप जब दिल्ली पुलिस के लिए जब जो कि 5 साल के बाद जो कि जैसे कि आप दिल्ली पुलिस का बेसिक कोर्स कर लिए तो आपका पोस्टिंग हो जाएगा। तो फिर आपको 5 साल के बाद एक मतलब आपको एलिजिबल होने के लिए 5 साल आपका सर्विस करना ज़रूरी है। तो 5 साल के बाद आपको एक और फॉर्म निकलता है कि आप क्या ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स करना चाहते हो। तो आप ये फॉर्म को फिलअप करके एक टेस्ट होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग करीब 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जैसे कि 3 महीने का वो मिलिट्री ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे कि आपको आर्मी कैंप पे भेजा जाएगा। आर्मी के लोग आपको 3 महीने का कोर्स करवाएंगे, उसके बाद बाकी के 9 महीने आपको फिर ट्रेनिंग सेंटर पे आपको 9 महीने का कोर्स करवाते हैं, जैसे कि कैसे कैसे आप लोगों को सिखाओगे, आप मतलब ट्रेनिस को सिखाओगे कि क्या क्या करना है, वो इन 9 महीने में सिखाया जाएगा। और पहले जो 3 महीना है उस 3 महीने में आपका फिजिकली स्ट्रांग किया जाएगा, मेंटली स्ट्रांग किया जाएगा। बहुत ही मतलब ये बहुत ही टफ होता है, जैसे कि हमारे उस्ताद ने हम लोग को बताया था कि जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है वो इंडियन पुलिस में सबसे हार्ड एक कोर्स होता है। जैसे कि इंडियन पुलिस ही नहीं मतलब जैसे कि BSF का ट्रेनिंग है, CRPF का ट्रेनिंग है, ITBP का ट्रेनिंग है,
उन्हीं सब ट्रेनिंग में से एक उस्ताद ने हमको बताया कि उन्हीं सब ट्रेनिंग में से, हालांकि मुझे इतना अच्छा से पता नहीं, पर उस्ताद ने कहा था कि उन्हीं सब ट्रेनिंग में से ये ट्रेनिंग सबसे हार्ड हो जाता है, कि कई सारे लोग ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर भी नहीं पाते हैं। तो ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने का एक फ़ायदा है, जैसे कि आप अगर कॉन्स्टेबल हो और आप अगर ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स के लिए अप्लाई किए हो, और अगर आप ये एक साल का आप ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर लिए, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा हेड कॉन्स्टेबल पे। आपको ऑटोमेटिकली, आपको कोई टेस्ट उसके बाद अलग से कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पे आपको हेड कॉन्स्टेबल पे पोस्ट कर दिया जाएगा, और हेड कॉन्स्टेबल पे मतलब आपको प्रोमोटेड किया कर दिया जाएगा। ड्रिल इंस्ट्रक्टर होने का एक और फ़ायदा है कि आपको एक अलग से एक एरियर का 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा का एक मतलब ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स का अलाउंस जो होता है वो आपको एक अलग से मिल जाता है। तो अब बात आती है कि कमांडो कोर्स, अगर आप अगर 3 महीने का जो कमांडो कोर्स होता है ये आप अगर कर लिए, तो आपको कितने दिन तक आप कमांडो में रह सकते हो? तो मैंने सुना है कि 5 साल होगा शायद, 5 साल आप लोग कमांडो में रह सकते हो। 5 साल के बाद आपको आप वही नॉर्मल पुलिस के मतलब नॉर्मल आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा, फिर थाने में या फिर किसी भी ऑफिस में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा, जो होता है ना VIP कमांडो, जैसे कि कई सारे एरिया पे पोस्टिंग होता है उन लोगों का, जैसे कि राष्ट्रपति भवन पे पोस्टिंग होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट पे पोस्टिंग होता है। VIP लोगों के साथ आपको पोस्टिंग दिया जाता है कमांडो के कोर्स अगर आप अगर करते हो। तो यही सारी है कमांडो के रिलेटेड आपका सवाल, जो कि आप लोग कमांडो में कैसे आ सकते हो। तो यही आपको अगर इच्छा हो कि आप कमांडो में आना चाहते हो, तो आपको पोस्टिंग के बाद आप एक फॉर्म होता है, ये आप अप्लाई कर सकते हो कि सर मुझे भी कमांडो करना है, तो आपको कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी दूसरा सवाल आता है कि दिल्ली पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा? तो अभी तक तो लॉकडाउन का मामला चल रहा है, ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन अभी करीब 2 महीने हो चुके हैं अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, तो अभी तो कुछ श्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन भी पहले से आ चुका है कि अभी करीब 4,500-5,000 पोस्ट के लिए अभी अप्लाई शुरू हो जाएगा, पर अभी भी इस लॉकडाउन की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ कि कब अगला वैकेंसी आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी तैयारी में ढील मत दीजिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है दिल्ली पुलिस के वैकेंसी। तो आप लोग अप्लाई करके मतलब आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, कि कभी भी मतलब ढील मत दीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया ना आपका, अगर कई दोस्त लोगों का उम्र भी हो रहा है और वैकेंसी भी नहीं आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी में ढील मत दीजिए। कि जैसे कि अभी नेक्स्ट वैकेंसी आ रहा है, तो जी जान लगा देना है आप लोग को मेरे दोस्त को। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे इस वीडियो, मेरे इस YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिल रहा है, और मुझे भी खुशी होगी आप लोगों को अगर जॉब मिल गया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना कितना तैयारी कर रहे हो। तो अभी नेक्स्ट जो आता है कि बेसिक ट्रेनिंग के बारे में, कि क्या क्या होता है बेसिक ट्रेनिंग में। तो मैंने भी पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ कि 9 महीने का जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, उस 9 महीने में आपको फिजिकली, मेंटली और आपको प्रिपेयर किया जाता है, और आपको स्टडी भी कराया जाता है, लॉ के बारे में आपको सिखाया जाता है, और आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करवाया जाता है, और सुबह का टाइम पे भी PT पीरियड होता है, और दोपहर के टाइम पे लॉ क्लास होता है, और शाम के टाइम पे भी PT या स्पोर्ट्स होता है। और इसने 9 महीने के बाद एक और महीना होता है, जिस एक और महीने में कमांडो ट्रेनिंग सभी लोगों का होता है, हालांकि मेरा अभी तक कमांडो ट्रेनिंग नहीं हुआ है। 1 महीने का सभी का कमांडो ट्रेनिंग होता है। कमांडो ट्रेनिंग में आपको 1 महीने तक के लिए मतलब कमांडो का क्या क्या कोर्स होता है, वही मतलब बेसिक इतना, जो 3 महीने में जो कमांडो ट्रेनिंग का बेसिक होता है उतना नहीं सिखाया जाता है, मतलब 1 ही महीने में ऊपर से आपको कमांडो के सभी मतलब आपको सिखाया जाएगा। तो अभी आप लोगों का थोड़ा कमेंट्स आया था, मैं तो थोड़ा कमेंट्स मैंने पिकअप किया था, तो उस कमेंट्स को मैं देख के आपको सवाल का आंसर दे रहा हूँ। तो अभी एक और सवाल आता है कि जो करंट अफेयर्स है, आप लोग ने कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि सर करंट अफेयर्स में कहाँ से कहाँ तक पढ़ूँ, मतलब कितने दिनों के करंट अफेयर्स पढ़ूँ। तो मेरा सुझाव आप लोगों से यही है कि आप लोग मतलब ये 2020 से शुरू होते हुए जितना भी करंट अफेयर्स है, आप लोग वही करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। और एक कमेंट मुझे पूछा गया था कि गर्ल्स और बॉयज़ का फिजिकल एक साथ होता है क्या, और रनिंग टेस्ट वगैरह एक साथ? नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग दिन में वो लोग डेट फिक्स कर देते हैं कि इस तारीख को गर्ल्स का होगा और इस तारीख को बॉयज़ का होगा। और ट्रेनिंग में भी गर्ल्स और बॉयज़ का अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है, जैसे कि हमारा अभी जरोदा कला में बॉयज़ का ट्रेनिंग सेंटर है, और गर्ल्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो द्वारका डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, वहाँ पे एक और ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे लड़कियों का ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे अभी तक दिमाग में जितना भी आया कि क्या क्या टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ, तो इसी बारे में आपको बताया हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें कि और क्या क्या आपको जानना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि दिल्ली का पुलिस का जो प्रमोशन का
फैसिलिटी है और दिल्ली पुलिस में अगर आप भर्ती हो गए तो क्या क्या आपको फैसिलिटी वगैरह मिलेगा, तो अगले वीडियो में मैं इन्हीं विषय में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो दिल से बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।